हेलो माय डिश माय तड़का की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं भरवा बैंगन। इसके लिए हमने आधा किलो छोटे साइज के बैंगन लिए हैं और ये भरवा बैंगन बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। इन्हें टेस्टी बनाने के लिए जो सामग्री ली है वो इस प्रकार से है। 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। स्वाद अनुसार नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये थोड़ा चाट मसाला है, जीरा, दही, राई, हींग और 1 नींबू का रस काम में लिया है। इसे बनाने के लिए सरसों का तेल और ये जो मुख्य है वो भुना हुआ बेसन है। भुने हुए बेसन से ये है भरवा बैंगन बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और थोड़ा सा पानी काम में लेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में हम धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, चाट मसाला, लहसुन का पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक इन सबको डाल देंगे। साथ ही नींबू का रस और ये थोड़ा दही डाल देंगे। इससे ये ब्राउन बहुत ही अच्छा बनेगा और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और इनको हम सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बैंगन को कट कर लेंगे। बैंगन को इस तरह से कट कर लेंगे, इसके 4 हिस्से होने चाहिए और ये अलग भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम सभी को काट लेंगे। देखिए इस तरह से सभी बैंगन को हम कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही कच्चे बैंगन हैं और इनसे बहुत ही भरवा बैंगन अच्छे बनने वाले हैं। ये देखिए सभी को कट कर लिया है। अब इसमें हम मसाला भरेंगे। इस तरह से इनके अंदर मसाला भर देंगे और इस विधि से ये बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं, इसलिए पूरे वीडियो को जरूर देखें। ये देखिए मसाला इसमें भर दिया है अच्छे से। इसी तरह से सभी बैंगन में हम मसाला भर लेंगे। सभी बैंगन को इस तरह से भर लिया है। बहुत ही टेस्टी भरवा बैंगन बनने वाले हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम गैस पर पैन रखेंगे और पैन में तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें हींग डालेंगे, इसके बाद राई और जीरा, इनको थोड़ा ब्राउन होने देंगे। ये देखिए इस विधि से यदि आप भरवा बैंगन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम धीरे धीरे बैंगन को डाल देंगे और इनको हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इन सभी बैंगन को डाल दिया। अब इसको 2 मिनट के लिए बंद करेंगे जिससे भाप से जल्दी पक जाए। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इनको सभी को पलट देंगे, पलटते हुए इनको पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी भरवा बैंगन बनने वाले हैं। ऐसे आप अपने किचन में आसानी से तैयार कर सकते हैं, सभी बड़े चाव से खाएंगे। देखिए ढक्कन हटा करके देखते हैं और इनको उलटते पलटते हुए इसी तरह से 3-4 बार ढक्कन लगा कर गैस को अपने मीडियम रखते हुए इनको पकाएंगे। और ये देखिए थोड़े से गलने लगे हैं। अब इनमें हम भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे। बेसन से और भी टेस्टी बनेंगे। देखो बेसन को हमने पहले से भून कर रखा हुआ है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस विधि से यदि आप भरवा बैंगन बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए बेसन अच्छे से ऐड हो चुका है। अब इसको ढक करके फिर से पकाएंगे। ये देखिए ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है और इनको एक बार फिर से उलट पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान है इस विधि से बनाना और ये थोड़े नरम भी होने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़े पक्के हैं इसलिए इनको 1-2 मिनट के लिए फिर से रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए 4-5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी और ये नरम हो चुके हैं, पक करके तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस विधि से यदि आप अपने किचन में बनाएंगे तो सभी बड़े चाव से खाएंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम इनको ठंडा होने देंगे और सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। आप फटाफट अपने किचन में इन्हें तैयार कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनी है और बहुत ही अच्छे
भरवा बैंगन बन करके तैयार हुए हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अब आप इन्हें रोटी पूड़ी या परांठे के साथ में खा सकते हैं। अब आप इन्हें सर्व कर सकते हैं और सभी बड़े चाव से खाएंगे। यदि भरवा बैंगन बनाने की विधि आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, धन्यवाद।